करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, अगर धान ज्यादा होगी तो फिर पराली भी, और ऐसे में बहुत सारे किसान पराली जलाते हैं जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब वातावरण प्रदूषित होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुनीश गुप्ता जी, उनसे जानेंगे कि जो वातावरण प्रदूषित होता है, चाहे वो गन्ने की खोई जलाने से होता हो या फिर धान की पराली जलाने से हो, उसका क्या असर मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। सर, करनाल में सबसे ज्यादा धान होती है और धान की पराली बहुत सारे किसान जलाते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा असर शरीर में किस अंग पर पड़ता है और कैसे पड़ता है? देखो, सबसे ज़्यादा असर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमारा थ्रोट से लेके लंग्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके कारण हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। चलते हुए सांस चढ़ना या बैठे बैठे सांस चढ़ना, ये मेन लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ज़्यादा सांस चढ़ती है तो बीपी बढ़ना, उसके बाद हार्ट अटैक होना या फिर किडनी की में प्रॉब्लम आना लंबे टाइम के बीपी की वजह से, ये बदलाव सारे शरीर में, मेनली जो सारे अंग हैं हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं शरीर के, वो सारे इफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। यानी कि अगर सांस लेने में दिक्कत आएगी तो फिर फेफड़ों में परेशानी होगी, और फेफड़े किडनी और हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। यस, डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं ऑल ओवर द बॉडी इफेक्ट है, इनिशियली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या इनिशियली लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद इनडायरेक्टली अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्मोग अब देखने को मिल रहा है शाम के समय में, और आगे आने वाले दिनों में दिवाली के आसपास और ज्यादा देखने को मिलेगा, तो क्या क्या लक्षण अगर आते हैं, क्या ओपीडी वगैरह भी बढ़ी है? ओपीडी तो अभी नहीं बढ़ी है इतनी, बट हाँ धीरे धीरे अगर ये बढ़ता है तो ओपीडी पे भी इफेक्ट आएगा। और कारण ये है कि इसके लक्षण मेनली थ्रोट में पेन होना, गले में सांस की दिक्कत आना, जुकाम ज़्यादा होना, गले में कुछ निगलते टाइम, कुछ खाते टाइम गले में दर्द होना, और अगर किसी को पुरानी फेफड़े की दिक्कत है जैसे COPD या अस्थमा, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और सांस लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो जैसे आपने बताया कि फेफड़े की दिक्कत होती है, तो क्या फिर एडमिट होना पड़ता है, क्या वो किडनी पर भी प्रभावित होता है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि एडमिट होना पुरानी कोमॉर्बिडिटीज़ पे काफ़ी डिपेंड करता है। अगर तो एडल्ट यंग हैं, नियर अबाउट 20-30 की एज है, तो हमें थोड़ा इफेक्ट आता है जो कि दवाई से या प्रिकॉशन से कवर अप हो जाता है, ठीक है। पर अगर पुरानी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे COPD, अस्थमा, तो उसकी वजह से हमें एडमिशन तक की भी नौबत आ सकती है। तो और उसके बाद हमारा BP बढ़ने की वजह से किडनीज पे इफेक्ट आने लग जाते हैं। क्या क्या बचाव के उपाय हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी हो उसके बचाव के उपाय जरूर होते हैं, तो बचाव के उपाय क्या हैं और किस तरीके से आम नागरिक इससे बच सकता है? देखो, इसके लिए बचाव ही जरूरी है। एक बार अगर इन्फेक्शन हो गई तो उसको निकालने के लिए टाइम चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, आपको रेस्ट करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें हैम्पर होती हैं, तो बचाव ही इलाज है। बचाव एक तो ये है कि इसको मत जलाएं, सरकार की तरफ से भी काफ़ी इंडिकेशंस आती हैं, ऐसा काफ़ी नॉर्म्स आ गए हैं कि सरकार थोड़ा बहुत पैसे भी दे रही है, प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करें, उसको समझें उस प्रोसेस को कि क्यों सरकार दे रही है। लेकिन जल रहा है तो उसके बाद आम नागरिक अपने आप को कैसे सेफ महसूस करे, उसके लिए हम मास्क 24 आवर्स, मतलब जब भी बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगा के रखें, और नॉर्मल सर्जिकल मास्क या फिर कपड़ा जरूर लगा के रखें, और घर आए तो एक बार माउथ वॉश करें, ठीक है, गर्म पानी से नहीं तो नॉर्मल पानी से कर लें, आई वॉश करें, स्वस्थ खाना खाएं और फ्रूट्स ज़्यादा लें, हाइड्रेशन पूरा रखें, तो उससे हम बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। पराली बहुत सारे किसान जलाते हैं और उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, फिर उससे वातावरण प्रदूषित होता है, तो वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, चाहे लंग्स की बात करें, और लंग्स अगर धीरे धीरे इफेक्ट करता है तो फिर BP लो हो जाता है, उससे किडनी पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बहुत सारे बचाव के उपाय हैं, मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको स्मॉग नज़र आता है तो फिर वहाँ पर आप अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप उस वातावरण जो प्रदूषित हुआ है उससे बच सकें। न्यूज 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।